नबी की बेटी को जिसने पेट फाड़ा, हिबार इब्ने अस्वद ने तीर मारकर, नबी की बेटी ज़ैनब के पेट में हमल था, बच्चा था, तीर पेट में लगता है, बच्चा गिर जाता है। ज़ैनब मदीने पहुंचती है, होश में आती है तो उनको पता चलता है कि मेरे पेट का बच्चा गिर गया है, जाय हो गया है। इस सदमे को वो बर्दाश्त न कर सकी, इंतकाल कर गई। 10 साल के बाद जब हिबार इब्ने अस्वद सामने आया और मदीने में अल्लाह के नबी से माफी मांगने लगा कि मुझे माफ कर दो, मैं भी मुजरिम हूं और आपकी बेटी का कातिल हूं, 10 साल पहले आपकी बेटी के पेट में तीर मारा था, हमल गिर गया था। नबी अकरम की आंखों में आंसू आ गए, बेटी की याद आ गई, रोने लगे। लेकिन कहते हिबार, मेरी बेटी के कातिल, मैंने आज तक अपने लिए और अपने खानदान के लिए कभी बदला नहीं लिया, आज तूने माफी मांगी, जा, मैंने तुझे भी माफ कर दिया, जा 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 हिबार, मेरी बेटी के कातिल, मैंने अपनी बेटी के कत्ल का खून माफ कर दिया। वो हमजा जो नबी का चचा और हिंदा ने पेट फाड़ा, नाक काटी, कान काटा, जबान काटी और इसी में धागा डालकर नाक कान जबान का हार बनाकर अपने गले में पहना, वो हिंदा जिसने हमजा का पेट फाड़ के कलेजा निकाला और चबाया, हिम्मत नहीं कर सकी, उसको खाने की थूक देती है, कटी हुई गर्दन, फटा हुआ पेट, निकला हुआ कलेजा, कटी हुई नाक, कटा हुआ कान, कटी हुई जबान, ये लाश जब नबी के सामने आई तो आपकी आंखों में आंसू आ गए और कहा, आए हमजा, कयामत तक जितने भी लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएंगे ये शहीद होंगे, लेकिन तू कयामत के दिन सैयदुश्शहदा बनाकर उठाया जाएगा, तमाम शहीदों का सरदार बनाकर उठाया जाएगा। ऐसा हाल करने वाली हिंदा जब नबी के सामने आई तो आपने कहा, क्या चाहती हो? माफी। आपने कहा, हिंदा जा, मैंने तुझे भी माफ कर दिया, ओ मेरे चचा की कातिल, जा, मैंने तुझे भी माफ कर दिया, मेरी चचा की लाश को बिगाड़ने वाली, जा, मैंने तुझे भी माफ कर दिया, लेकिन इंसान हूं, बुरा लगता है, तू मेरे सामने मत आना, क्योंकि जब तू मेरे सामने आएगी तो मुझे चचा की लाश याद आ जाएगी। हमारे नबी ने कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी। ताइफ वालों ने इतना मारा कि सर फट गया, सर से खून निकला, पैरों पे गिरा, खून जम गया, जूते तक उतर नहीं पा रहे थे उस जमे हुए खून की वजह से। दो फरिश्ते आए, अरे अल्लाह के नबी, कहो तो इन ताइफ वालों को दो पहाड़ियों के बीच में पीस दूं। मैं जब गया था हज के उमरे के लिए तो मेरे वहां बहुत प्रोग्राम कराए गए थे, जिद्दा में हुए, दम्माम में हुए और मक्के में हुए, मदीने में हुए, तो हमको ताइफ भी लोग लेकर गए और वो पहाड़ी हमको दिखाई थी लोगों ने वहां ताइफ के अंदर, जिस पहाड़ी पर चढ़कर काफिरों ने नबी अकरम को पत्थर मारे, वहाँ के लोग जो थे वो उन लोगों ने बताया कि मौलाना साहब ये वो जगह है, यहाँ नबी खड़े थे, ऊपर से काफिर पत्थर मार रहे थे, उस जगह को देखा है हमने अपनी आंखों से, काफी ऊंचाई पर से पत्थर मार रहे, जोर से पत्थर, ऊंचाई से पत्थर मारेंगे और वो नबी के सर पे लगेगा तो कितनी जोर से लगता होगा। फरिश्ते मौजूद, वो दोनों पहाड़ी जिसके बीच में ताइफ बसा हुआ है, अगर इस पहाड़ी को यहां से लाया जाए, उस पहाड़ी को यहां से लाया जाए, दोनों को मिलाया जाए तो इस पहाड़ी के बीच में जितने लोग रहते हैं कब पिस के सुरमा बन जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। फरिश्तों ने कहा, आप कहिए तो इन ताइफ वालों को इस दोनों पहाड़ियों के बीच में लाकर पीस दें, इनको कुचल दें, इनको खत्म कर दें, इनको बर्बाद कर दें। तो अल्लाह के रसूल ने क्या कहा? नहीं। फरिश्तों ने दोबारा कहा,
तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाहुम्मा हद कौमी फइन्नहुम ला यालमून, आए फरिश्तों नहीं नहीं इनको मारो नहीं, अल्लाह इनको हिदायत देगा और इंशाअल्लाह इनकी पुश्त से आने वाली नस्लें मुसलमान होंगी, इनकी नस्लें कलमा पढ़ने वाली होंगी, मुझे नबी मानने वाली होंगी। आए अल्लाह तू इनको हिदायत दे, ये मुझे जानती नहीं है कि मैं कौन हूं। आपने उस मौके पर भी बदला नहीं लिया, देख रहे हैं आप, बेटी के कातिल को माफ कर रहे हैं बदला नहीं ले रहे हैं, हिंदा को माफ कर रहे हैं इंतकाम नहीं ले रहे हैं, ताइफ में पत्थर खाने के बावजूद फरिश्ते पत्थरों का ताइफ वालों को पीसना चाहते हैं लेकिन नबी इंतकाम नहीं ले रहे हैं, कह रहे हैं अल्लाह तू इनको हिदायत दे। मार खाकर दुआएं देने वाले नबी, लेकिन आज उसूल देखो, जिसने कभी बद्दुआ नहीं दी आज वो बद्दुआ दे रहा है। क्या कह रहा है, मला अल्लाहु बुयूतहुम, आए अल्लाह इन काफिरों के घरों को आग से भर दे, इसलिए कि आज इन्होंने मेरी बेटी को कत्ल नहीं किया, मेरे चचा का कलेजा नहीं निकाला, नाक नहीं काटी, कान नहीं काटा, इन्होंने आज मुझे नहीं मारा, बल्कि आज इनकी वजह से असर की नमाज का वक्त निकला। गौर करो, बेटी को मारा तो उसको माफ कर दिया, चचा का कलेजा निकाल के खाने वाली को माफ कर दिया, लेकिन जिनकी वजह से असर की नमाज छूट गई, वक्त पर नहीं पढ़ सके, उनको माफ नहीं कर रहे अल्लाह के नबी। कह रहे मला अल्लाह बुयूतहुम, अय अल्लाह इनके घरों को तू आग से भर दे, और जब ये मर जाए आग में, और जब इनकी कब्रों, जब इनको दफन किया जाए कब्रों में, तो कुबूर हूं अय अल्लाह मरने के बाद भी इनको बख्शना नहीं, इनकी कब्रों में भी आग लगा देना। कितनी डेंजर बद्दुआ है, अंदाजा लगाओ। नमाज जिनकी वजह से छूट रही है वो भी सोचें, जर्जी साहब नमाज पढ़ते हैं, नमाज का वक्त हो रहा है, मस्जिद में जा रहे हैं, और आप नमाज के वक्त में अपने घर में नाश्ता कराने ले जा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपकी वजह से नमाज छूट रही है, आप सबब बन रहे हैं। या तो नमाज से इतना पहले नाश्ता कराना चाहिए था कि अजान के फौरन बाद नमाज पढ़ी जा सके, या फिर नमाज के बाद आपको नाश्ता कराना चाहिए था। आप ऐसे मौके पर क्यों ले जा रहे हैं, ये गौर करिएगा, गौर करिएगा। वो जंग हो रही है, अल्लाह सबब मत बनिए किसी का, आप खुद नमाज पढ़ने रहे, दूसरे की भी नमाज छोड़ा रहे। काफिर तो वैसे ही जहन्नमी है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं, अरे अल्लाह इनके घरों को आग से भर दे, और मरने के बाद जब ये कब्र में दफन हो तो इनकी कब्रों को भी तू आग से भर दे। कमा हबसूना व शगलूना अन सलातिल वुस्ता, क्योंकि आज इनकी वजह से मेरी असर की नमाज छूट गई। ओफो, एक वक्त की नमाज, और वो भी छूटी नहीं, पढ़ ली, मगरिब के बाद नहीं पढ़ रहे हैं, मगरिब से पहले ही पढ़ रहे हैं, लेकिन असल वक्त निकल जाने की वजह से अब हम अंदाजा लगाएं हम कहां खड़े हैं। मौलाना जर्जी साहब, आप चाहे कितना बोल लो नमाज के ऊपर, सुबह फजर की नमाज में हम फिर नहीं आएंगे, घर में सोते रहे। हम तो बड़े बाप के बेटे हैं, हमारे ऊपर तो किसी की तकीरों का असर नहीं हुआ, 80-90 साल के बुजुर्ग उलमा आए उनकी नहीं मानी, तुम तो कल के लौंडे, तुम्हारी क्या सुनेंगे, तुम्हारे जैसे 336 मौलवी रोज बोलते हैं, किसी की नहीं सुनी हमने, तुम्हारी क्या सुनेंगे। इस तकरीर के खत्म होने के बाद फिर भी फजर की नमाज में अगर हमने जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ी, लिख लो आप अपने जलसा कराने में नाकाम हो गए। सोच लो आपको कोई कामयाबी नहीं मिली जलसा कराने की। अगर तकरीरों से ईमान में ताजगी पैदा ना हो, मस्जिदों में नमाजियों की तादाद ना बढ़े, तो बेकार हैं ऐसे जलसे। इससे बेहतर था कि ईशा की नमाज के बाद आप सोते और फजर की नमाज से पहले आप उठकर फजर की नमाज पढ़ लेते जमात के साथ, यह आपके लिए तकरीर सुनने से बेहतर होता। एक सहाबी रात भर नमाज पढ़ते रहे, अल्लाह हू अकबर दुआ मांगते, फिर नमाज पढ़ी, दुआ मांगते रहे, नमाज पढ़ी, नमाज पे नमाज, सजदे पे सजदे,
ईशा से लेकर फजर तक बराबर नमाज पढ़ते रहे। नियत थी फजर की नमाज पढ़कर सोएंगे, लेकिन थोड़ी देर पहले, फजर की नमाज से थोड़ी देर पहले उनकी आंख लग गई। अब सुनो, फजर की नमाज से थोड़ी देर पहले, भाई रात भर जाग लिए तो थोड़ी देर पहले ऐसे वैसे लेटे थे, चलो थोड़ा लेट जाते हैं, कमर सीधी करते हैं, अभी अभी अजान का वक्त होने वाला, गए काम से, थोड़ी देर की बात आंख खुली, मस्जिद में नमाज हो रही है, जल्दी से वजू बनाया, नमाज में शामिल हो गए, जमात तो मिल गई, दोनों रकातें मिल गईं, लेकिन फजर की नमाज से पहले जो दो रकात सुन्नत पढ़ी जाती थी वो नहीं पढ़ पाए। सुन रहे हैं, गौर से सुनिए, वो नहीं पढ़ पाए, फजर की जमात नहीं छूटी थी, जमात मिल गई, भाई सो के उठे, जल्दी से वजू बनाए, मस्जिद में चले गए, नमाज तो पढ़ ली, दोनों रकातें मिल गई, लेकिन सुन्नतें नहीं पढ़ पाए। बाद में जब वो सुन्नतें पढ़ने लगे, सुन्नतें पढ़ने के बाद, फर्ज नमाज के बाद जब अल्लाह के नबी ने सलाम फेर दिया, सलाम फेरने के बाद देखा कि वो कोई सुन्नत पढ़ रहे हैं, सुन्नत के बाद जब आपने उनको बुलाया, आपने उनसे कहा ये बाद में तुम कौन सी नमाज पढ़ रहे थे, कहा अल्लाह के रसूल वो रात भर नमाज पढ़ी थी मैंने, इबादत की थी, और फजर की नमाज से थोड़ा पहले मुझे नींद आ गई, आँख खुली तो मैंने जल्दी से वजू बनाया, मस्जिद में आ गया, जमात खड़ी थी, तो जमात के होते हुए हमने सुन्नत नहीं पढ़ी, पहले जमात पढ़ ली बाद में सुन्नत पढ़ ली। तो अल्लाह के रसूल ने जो जवाब दिया वो सुनिए, आपने फरमाया काश तो पूरी रात आराम से सोता, काश तो पूरी रात इशा की नमाज के बाद से लेकर फजर तक आराम से सोता, गहरी नींद में सोता, लेकिन फजर की नमाज से पहले उठकर वजू बना लेता और फजर की नमाज से पहले दो रकात सुन्नत पढ़ लेता। अल्लाह की कसम, फजर से पहले दो रकात सुन्नत अगर पढ़ लेता तो ये दो सुन्नतें तेरे लिए रात भर की इबादत से ज्यादा बेहतर होती। फजर की नमाज से पहले दो रकात सुन्नत तुम्हारी रात भर की इबादत से ज्यादा बेहतर होती। क्यों जागे तुम रात भर, यानी ऐसी इबादत से क्या फायदा कि जलसा सुनो 12 बजे तक, 1 बजे तक, और सोते सोते 2 बज जाए, और फजर की नमाज में जब आप उठ ना सके और मस्जिद में ना जा सके, तो ऐसे जलसों से क्या फायदा। ये बंद होने चाहिए ड्रामे, हां मैं इसको ड्रामा कहता हूं, जो जलसे लोगों को नमाजी ना बना सके वो ड्रामा है, जो तकरीरें लोगों के दिलों में ईमान ताजा ना कर सके वो नौटंकियां हैं। वो लैला मजनू की कहानियां हैं, तसव्वुर कीजिए हम कहां हैं, नमाज कितनी जरूरी चीज है हमारी सोसाइटी और हमारे समाज में और हमारे लिए। रमजान का चांद देखा जाता है और ईद का भी देखा जाता है। रमजान का चांद देखने के लिए एक आदमी की, बाशरा आदमी की गवाही की जरूरत है। अगर एक आदमी ये कह दे कि मैंने चांद देखा है तो दूसरे दिन से रोजा रखा जाएगा। ईद के चांद के लिए दो आदमियों की गवाही जरूरी है, ईद के चांद के लिए उसूल है। अब रमजान के लिए एक आदमी की गवाही काफी है, लेकिन ईद के चांद के लिए दो की गवाही चाहिए। क्यों चाहिए, अल्लाह के नबी से पूछो, हर चीज का जवाब हमारे पास नहीं है, बस नबी ने कह दिया हमें मानना पड़ेगा। ईद की चांद के लिए दो आदमी की गवाही चाहिए है? लेकिन जब रमजान में एक आदमी की गवाही आप मानेंगे या ईद के चांद के लिए दो आदमी की गवाही मानेंगे तो उस वक्त भी देखा जाएगा ये एक आदमी जो रोजे की गवाही दे रहा है ये पांच वक्त का नमाजी है या नहीं है। अगर पांच वक्त का नमाजी है, बाशरा है, समाज में इसको झूठा नहीं कहा जाता है, इसकी बात मानी जाती है, दीनदार है, नमाजी है, तो उसकी बात मानी जाएगी। नमाज रोजे का पाबंद नहीं है, जुमे तक की नमाज नहीं पढ़ता है, ऐसा आदमी गवाही दे रहा है तो उसकी गवाही भी, चाहे वो कितना भी सच बोल रहा हो, उसकी गवाही भी उसकी जेब में घुसेड़ दी जाएगी, भाग, नहीं तस्लीम किया। रोजे का चांद एक आदमी की गवाही है, और एक आदमी अगर नहीं देखता चांद लेकिन एक औरत चांद देखती है तो
तो एक औरत की गवाही नहीं मानी जाएगी, दो औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर है। लिहाजा औरतें दो होना चाहिए, आदमी एक। एक आदमी अगर कह दे बाशरा हो कि मैंने रोजे का चांद देखा है रमजान का, तो रोजा रखा जाएगा। लेकिन एक औरत चाहे वो कितनी भी नेक हो, दीनदार हो, नमाजी हो, तहज्जुद गुजार हो, लेकिन एक औरत अगर चांद की गवाही देती है तो उसकी बात नहीं मानी जाएगी। दो औरतें होना चाहिए। ऐसे ही ईद का चांद, दो मर्दों की गवाही चाहिए, लेकिन दो मर्दों ने नहीं देखा है, एक मर्द ने देखा है और एक औरत ने, तो नहीं मानी जाएगी। एक मर्द ने देखा है तो दो औरतें होनी चाहिए, या चार औरतें होनी चाहिए, वो भी बाशरा। अब हम अपने जहन में इस बात को रखें कि जब यहां बेनमाजियों की गवाही नहीं मानी जा रही है, सोचिए तो और मामलात के अंदर बेनमाजी की हैसियत क्या होगी। आइए एक और चीज की तरफ हम तुम्हें लेके चलते हैं। या अय्युहल्लज़ीना मनुस्तईनु बिस्सब्र वस्सला, ये बड़ी प्यारी चीज हम आपको बताने के लिए चल रहे हैं मेरे भाइयों। या अय्युहल्लज़ीना मनुस्तईनु बिस्सब्र वस्सला, आई मानो वालो तुम सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह से मदद मांगो। बड़ी प्यारी आयत है। छोटा सा बच्चा है, अभी वो अपनी मां का दूध पीता है, 8-9 महीने का, 10 महीने का, 1 साल का है, चलता है फिरता है, पूरी ताकत नहीं है, हल्के हल्के पैरों से चलता भी है, गिरता भी है। कभी कभी उसके सामने अनजाना आदमी आ जाए तो डरता भी है, उसके सामने कोई कीड़ा मकोड़ा टहलने लगे तो वो डरता भी है। आपने देखा होगा, मां ने अपने बच्चे को छोड़ा, चलना सिखा रही है, थोड़ा चलता है गिरता है, थोड़ा चलता है गिरता है, मां थोड़ी दूर हटके देखती है, देखे कितनी दूर जाता है बच्चा। बच्चा थोड़ी दूर गया, वहां कोई जानवर देखा, कोई कीड़ा मकूड़ा देखा, वो उदय से पलटा और भागता है अपने मां के पास। मां जल्दी से अपने दोनों बाहें फैला देती है, और बच्चा जब डरता है तो वो अपनी मां की गोद में आ जाता है। जैसे ही बच्चा अपनी मां की गोद में आता है, वो अपने आप को बिल्कुल महफूज कर लेता है, समझ लेता है। अब वो समझता है कि मैं सबसे बड़े खतरे से टल चुका हूं, अब सबसे बड़ी मुसीबत, भाई बच्चे के लिए तो वही सबसे बड़ी मुसीबत है जिससे वो डर रहा है। बच्चा अपनी मां की गोद में आया, और जैसे ही वो अपने मां की गोद में आता है, वो समझता है कि अब मुझे कोई खतरा नहीं है, क्योंकि मैं एक सुरक्षित गोद में आ गया हूं, एक महफूज गोद में के अंदर आ गया हूं, अब मुझे दुनिया व माफिया का कोई खतरा नहीं है। बच्चा अपनी मां की गोद में आ जाता है तो वो दुनिया के बड़े से बड़े खतरे से अपने आप को महफूज समझ लेता है। कुरान यही फरमा रहा है, लोगो नमाज ये मां की गोद है, तुम्हारे लिए बड़े से बड़े खतरे जब तुम्हारे सामने आए, बड़ी से बड़ी मुसीबतें जब तुम्हारे सामने आए, बड़े से बड़े खौफनाक मरहले जब तुम्हारे सामने आए, तो तुम नमाज की आगोश में आ जाओ, नमाज की गोद में आ जाओ। जब तुम मस्जिद में आ जाओगे, नमाज की आगोश में आ जाओगे, तो तुम उस खतरे से महफूज हो गए। नमाज अपने नमाजी को अपनी गोद में ऐसे ले लेती है जैसे माँ अपनी गोद में अपने बच्चे को ले लेती है। जैसे बच्चा माँ की गोद में आकर अपने आप को महफूज समझ लेता है, ऐसे ही नमाजी नमाज के अंदर अपने आप को महफूज समझ लेता है। एक सहाबी हैं, जंग हो रही है, नमाज का वक्त हो जाता है, नमाज के वक्त ही में अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, एक तीर आता है और तीर आते ही उनकी पीठ में लगता है। और सोचो तीर किसी की पीठ में लग जाए और नमाज के अंदर लग जाए। लगी, हाथ बंधे हुए हैं, तीर पीछे लगता है, खून बहने लगता है और टपकने लगता है, लेकिन इन्होंने कुरान पढ़ना बंद नहीं किया, पूरी नमाज पढ़ ली। जब सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह,
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। लोग उनके पास आए, साहब ये क्या किया तुमने, इतना खतरनाक तीर आधे से ज्यादा तुम्हारी पीठ में घुस गया, खून से पूरी चटाई भीग गई, तुम्हारा कपड़े लहूलुहान हो गए और तुम नमाज में मसरूफ हो। उस सहाबी ने जवाब दिया, जब मैं नमाज पढ़ रहा था अल्लाह की कसम मेरी पीठ में कब तीर लगा मुझे पता ही नहीं चला, इसलिए कि मैं सूरह कहफ की तिलावत कर रहा था और सूरह कहफ की तिलावत करते हुए मुझे इतना मजा आ रहा था, इतना इंजॉय मिल रहा था, सूरह कहफ की तिलावत ने मुझे तीर की तकलीफ भुला दिया, मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि मुझे तीर लगा है। ये तो तुम अभी बतला रहे हो कि मुझे तीर लगा है, अब देख रहा हूं कि ये खून ले, मुझे तो एहसास ही नहीं हुआ। गौर कीजिए कितना बड़ा खतरा था तीर का लगना, और उनको पता ही नहीं, क्योंकि वो नमाज की गोद में थे, नमाज की आगोश में थे। सोचो मेरे प्यारे साथियों, आज हमारी भी नमाजें हैं, हम पढ़ते हैं और एक छोटा सा मच्छर काट ले तो हम जल्दी से गाल मसलने लगते हैं, मच्छर मारने लगते हैं, इसलिए कि हमें कुरान की तिलावत में मजा ही नहीं आता है। वो कह रहे हैं कि हम ऐसे सूरह कहफ पढ़ रहे थे, सूरह कहफ की तिलावत में मुझे इतना मजा आ रहा था, इतना इंजॉय आ रहा था कि मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे कब तीर लगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाह, आई मानो वालो तुम सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह से मदद मांगो, सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह से मदद मांगो, सब्र और नमाज के जरिए सब्र करो और नमाज तो आगोश में आ जाओ नमाज के, और जब तुम मांगो तो अल्लाह, जब नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह तुम्हारी सब सुनेगा। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि नमाज के बाद तुम कुछ मांग रहे हो और अल्लाह नहीं दे रहा है, ये हो सकता है, तो इसमें घबराना नहीं चाहिए। नमाज भी पढ़ रहे हो, दुआ भी मांग रहे हो, या रब्बी या रब्बी या रब्बी, अल्लाह मुझे ये दे मुझे ये दे मुझे ये दे, लेकिन नहीं मिल रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि आपकी नमाजें कबूल नहीं हो रही, इसका ये भी मतलब नहीं कि अल्लाह आपसे नाराज है। कभी ऐसा मत सोचना, नहीं दे रहा है तो वो जानता है कि क्यों नहीं दे रहा है, उसकी मर्जी है, उसी में भलाई हो सकती है। हमारा एक छोटा सा बच्चा है, उसको निमोनिया हो गया है, एक मिसाल दे रहा हूं, आपका एक छोटा सा बच्चा है उसको निमोनिया हो गया है, नाक बह रही है, बुखार में तड़प रहा है, बार बार उसको प्यास भी लग रही है, डॉक्टर ने दवा दी है, ठंडी चीजों से मना किया है। जब आप उस बच्चे को लेकर दवा लेकर आ रहे हैं तो रास्ते में बर्फ बेचने वाला आइसक्रीम बेचने वाला आइसक्रीम बेच रहा है, और आपका बच्चा आइसक्रीम की जिद कर रहा है, पापा मुझे आइसक्रीम चाहिए, पापा मुझे आइसक्रीम चाहिए, डैड मुझे आइसक्रीम चाहिए, अब्बू मुझे आइसक्रीम चाहिए। मुझे ईमानदारी के साथ बताइए, आपका बच्चा बुखार की हालत में, निमोनिया की पोजिशन में आइसक्रीम मांग रहा है, क्या आप उसको आइसक्रीम दिलाएंगे, क्या आप उसको आइसक्रीम खिलाना पसंद करेंगे? नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि इस वक्त इसकी अगर मुराद मैंने पूरी कर दी तो मेरा बच्चा और ज्यादा बीमार हो जाएगा। आप उसके हजार जिद करने के बावजूद आप उसको आइसक्रीम नहीं देंगे, जबकि आपको बुरा लग रहा है कि मेरा बच्चा बेचारा मांग रहा है, आप नहीं चाहते कि उसकी तमन्ना पूरी ना हो, आप चाहते हैं कि दिलाएं, लेकिन उसकी बीमारी बतला रही है आइसक्रीम उसके लिए नुकसानदेह है। आप बाप होते हुए भी अपने बच्चे को आइसक्रीम नहीं दिलाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरे बच्चे के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। आप कहिए अल्लाह मुझे ये दे मुझे ये दे मुझे ये दे और नहीं मिल रहा है तो नाराज मत होइए, क्योंकि आपका रब जानता है आपको क्या देना है और क्या नहीं देना है, वो क्यों नहीं दे रहा है आपको। इस पे अल्लाह ताला से शिकवा मत करिए, शिकायत मत कीजिए, हो सकता है उसका न देने में ही भलाई हो जो चीज आप मांग रहे हो। एक बादशाह ऐलान करता है, आओ मेरी रियाया मेरी पब्लिक जो मुझसे मांगेगी मुंह मांगे मैं उसको दूंगा। सारी की सारी पब्लिक एक मैदान में जमा हो जाती है और बादशाह जो पब्लिक मांगती जा रही है बादशाह देता जा रहा है। एक बुढ़िया एक खच्चर पे बैठ के आई, खच्चर गधे की तरह होता है, खच्चर पे बैठ के आई। बादशाह ने कहा बुढ़िया तेरा बेटा है? कहा नहीं। पति है? कहा नहीं।
कोई नहीं है। कहा नहीं, आए मेरे वजीर इस बुढ़िया को 100 दीनार दे दो, 100 सोने की अशरफियां दे दो। बुढ़िया कहने लगी, नहीं आप बेइंसाफी कर रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं कि बताओ क्या मांगते हो, और जो जो मांग रहा उसको आप देते जा रहे हैं, और मुझसे कह रहे हैं कि 200 अशरफी दे दो सोने की। नहीं, मुझे भी मुंह मांगे इनाम चाहिए। बादशाह ने कहा, बता तुझे क्या चाहिए। उसने कहा, जो खच्चर में लेके आई हूं इसके ऊपर इतना सोना लाद दो कि ये आसानी से लेकर मेरे घर तक पहुंच जाए, इस खच्चर के वजन के बराबर सोना। बादशाह ने कहा, देखो ये तुम गलत कर रही हो। क्या जवाब दिया उस बुढ़िया ने, आपने सबकी मुरादें पूरी की, मेरी भी करो। पब्लिक कहने लगी, हां बादशाह सलामत, आपकी बेइंसाफी, आप गलत कर रहे हैं, सबको मुंह मांगे दे रहे हैं, तो इस बुढ़िया ने भी जो मांगा उसको दो। बादशाह ने कहा, जाओ सोना लेकर आओ और इसके खच्चर पर लाद दो। सोना लाद कर खच्चर पर लेकर बुढ़िया चली गई घर। गांव के लोगों को पता चला, हो सुनो बहुत सा माल आया, सोना मिला है बुढ़ी को। घर कमजोर था, रात में नकब लगाया, 2-3 चोर अंदर घुसे। बुढ़िया में ताकत ही कितने थी, एक ने पैर पकड़ा, एक ने गर्दन दबा दी, पकड़ा ठक खत्म। एक मिनट भी नहीं लगा, बुढ़िया गई और सारा सोना वो लेकर भाग गए। सुबह हंगामा हो गया, बुढ़िया मारी गई, सोना चला गया। बादशाह ने सारी रियाया को फिर बुलाया, कहा लोगों क्या हुआ। कहा बुढ़िया मारी गई, सोना गायब। कहा देखो मैं जानता था, इसलिए उसको 100 अशरफियां दे रहा था। मैं जानता था कि उस बुढ़ी को लालच है, इतना सोने का करेगी क्या, ना इतना खा पाएगी, उसकी जिंदगी में अब ज्यादा दिन भी तो नहीं रह गए। लेकिन उसके लालच ने उसको मार दिया, इसीलिए मैं उसको 100 सोने की अशरफियां दे रहा था। लेकिन आप लोगों ने मेरी मुखालिफत की, देखो मुझे मालूम था बुढ़िया इतना सोना नहीं संभाल सकेगी, इसलिए मारी गई। एक मामूली बात से ये कह रहा है कि कितना उस बुढ़िया को मिलना चाहिए मैं जानता हूं, और क्या नहीं मिलना चाहिए मैं जानता हूं। तो जो लोग अल्लाह से दुआएं मांगते, मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे, लेकिन नहीं मिल रहा है, उसका रब जानता है कि क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, कितना देना चाहिए और कितना नहीं देना चाहिए, ये उसको मालूम है। इसलिए उसने जितना दिया है उसी पर राजी रहो, उसी पर खुश रहो। ज्यादा माल तबाही और बर्बादी का बायस भी बन जाता है। कल मैंने बताया था, अल्लाह के नबी ने जब जन्नत में झांक कर देखा तो जन्नत में सबसे ज्यादा गरीब फकीरों मिस्कीनों को देखा, और जहन्नम में झांक कर देखा तो सबसे ज्यादा औरतों को देखा। मेरे भाइयों अंदाजा लगाइए, नमाज एक माँ की तरह है, जिस तरह बच्चा माँ की गोद में आ जाता है तो अपने आप को महफूज समझता है, ऐसी बड़ी से बड़ी मुसीबतें जब हमारे और आपके ऊपर आए तो हम नमाज में मसरूफ हो जाएं, यकीन नहीं आता। तो सुनो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी सारा के साथ, सारा हाजरा तो दूसरी है, सारा पहले थी, पहली बीवी कौन है, सारा, सारा के साथ जा रहे हैं और जालिम बादशाह के मुल्क में घुस जाते हैं, उस मुल्क को क्रॉस करना चाहते हैं। जालिम बादशाह के वजीरों ने लोगों को बताया, बादशाह को बताया, एक आदमी है उसके साथ एक औरत है और बड़ी खूबसूरत है। बादशाह ने कहा, अच्छा खूबसूरत है, कहाँ, बुला के लाओ। इब्राहिम और सारा बुला कर लाए गए। बादशाह ने पूछा, ये तुम्हारी कौन है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मेरी बहन है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये सुन रखा था कि उस बादशाह को अगर ये कह दिया जाए कि ये मेरी बहन है, तो भाई के साथ जब बहन को देखता है तो वो फिर हाक नहीं लगाता है, छोड़ देता है। तो कह दिया कि बहन है, ये झूठ नहीं था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब यह कहा कि ये मेरी बहन है, तो इस हैसियत से कहा कि सारी दुनिया के मुसलमान आपस में भाई हैं और सारी दुनिया की औरतें बहन है, ईमानी रिश्ते से उनको अपना बहन दिल में नियत की थी, ईमानी रिश्ते से तो सभी बहन है, हर कोई एक दूसरे का भाई, एक दूसरे की बहन है।
लेकिन चूंकि खूबसूरत इतनी थी हजरत सारा कि बहन कहने के बावजूद भी उसकी नीयत खराब रही। उसने कहा इनको कहीं ले जाओ और सारा को जरा हमारे दरबार में लेके आओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी से कहते हैं जाओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक जगह रोक दिया जाता है, सारा को अकेले ले जाया जा रहा है, और जब बादशाह के खुलवत में बादशाह की तन्हाई में सारा को कर दिया जाता है तो बादशाह ने दुआ, सारा ने दुआ मांगी, इलाल आलमीन मैं अपने शौहर इब्राहिम की अमानत हूं और आज तक मैंने तेरे दीन की कभी मुखालिफत नहीं की है, ऐ अल्लाह इस जालिम बादशाह से मेरी इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। ये कहकर बादशाह ने जब उस सारा के ऊपर अपना हाथ बढ़ाया तो सारा की दुआ रंग लाई और सीने के पास आते आते हाथ रुक गया, न आगे बढ़ रहा है न पीछे हट रहा है न नीचे हो रहा है न ऊपर जा रहा है, यहीं पर आकर शल हो जाता है। जैसे ये सारा अलैहि सलाम है और ये उनके सीने का हिस्सा है, ऐसे उस पर पकड़ के हाथ मारा, ये बस यहां पर रुक गया, अब ना आगे बढ़ रहा ना पीछे हट रहा है ना इधर हो रहा है ना इधर हो रहा है। चीख कर कहता है सारा तेरे पास कोई खुदाई ताकत है जो मेरे हाथ को मजबूती के साथ पकड़े हुए है? अल्लाह से दुआ कर, मैं वादा करता हूं कि मैं तुझे हाथ नहीं लगाऊंगा। हजरत सारा ने दुआ की और बादशाह का हाथ सही हो गया। फिर नियत खराब हो गई उसकी, पता नहीं हो सकता है ऑटोमेटिक हो गया हो। उसने दोबारा हाथ बढ़ाया तो दोबारा फिर हाथ वहीं पर रुक गया, हजरत सारा के थोड़ा पास शल हो गया, ना आगे ना पीछे ना दाएं ना बाएं। कह ऐ सारा एक बार और दुआ कर दे, इसके बाद हम तुझे कभी हाथ नहीं लगाएंगे, छोड़ दूंगा। उसने फिर दुआ कर दी, अल्लाह इसको ठीक कर दे, सही हो गया। लेकिन कहते ना इतनी खूबसूरत थी कि उसका दिल मुतमईन नहीं था। तीसरी मर्तबा उसने फिर बदअहदी की और फिर हाथ बढ़ाया, फिर हाथ शल पड़ गया, आगे नहीं बढ़ा। कहता है कि मैं कसम खाता हूं अपने रब की, जिसको वो रब मानता था, मैं अपने माबूद की अपने खुदा की कसम खा के कहता हूं अब हाथ नहीं लगाऊंगा, मुझे आखिरी बार माफ कर दे और दुआ कर। सारा ने फिर दुआ की, उसने छोड़ दिया। और अपनी लौंडी, लौंडी जानते हो खादिमा, खिदमत करने वाली, जो उस बादशाह की लौंडी थी खादिमा खिदमत करने वाली हाजिरा, उसने वो लौंडी सारा को दे दी, कह ये तुम ले जाओ और ये तुम्हारे रास्ते में काम आएगी, इसको मैं तुम्हें दे रहा हूं बतौर गिफ्ट। हजरत सारा जब हाजरा को लेकर आई तो पूछा कि मेरे शौहर इब्राहिम कहां हैं? बादशाह की पुलिस, बादशाह की फौज जब हजरत सारा को इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास लेकर गए तो हजरत सारा क्या देखती है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमाज में मसरूफ हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, वो नमाज में मसरूफ है, नमाज पढ़ रहे हैं और नमाजी में ये दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह मेरी बीवी की हिफाजत फरमा, अल्लाह मेरी बीवी की हिफाजत फरमा, अल्लाह जालिम बादशाह के जुल्म से हमारी बीवी को बचा ले, नमाज में मसरूफ हैं। मेरे भाइयों, जब सारा के ऊपर मुसीबत आई और जालिम बादशाह ने जब उनको पकड़ा और अपने आगोश में लेना चाहा तो उनके पति इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमाज के अंदर गिर जाते हैं, नमाज में मसरूफ हो जाते हैं, नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। गौर कीजिए, जब किसी के ऊपर मुसीबत आए तो उसको नमाज के अंदर नमाज पढ़ना चाहिए, उसको नमाज के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करनी चाहिए, क्योंकि नमाज एक माँ है, आपको अपनी आगोश में ले लेगी और जब आप नमाज की आगोश में आ जाएंगे तो सारे खतरों से महफूज हो जाएंगे, सारे खतरों से आप अलग हो जाएंगे, फिर कोई खतरा नहीं रहेगा, टल जाएगा वो खतरा। आपको याद होगा सही बुखारी की रिवायत है, बनी इसराइल में एक नौजवान था, नाम था उसका जुरैज, नाम था उसका जुरैज, बहुत नेक इबादत करने वाला, बड़ा अल्लाह वाला, बड़ा नमाजी,
एक बार हजरत जुरैज नमाज के अंदर मसरूफ थे, नमाज पढ़ रहे और उनकी मां को किसी चीज की जरूरत पेश आ गई तो जुरैज को आवाज देने लगी, आई जुरैज। जुरैज कहते हैं अल्लाह मैं नमाज में हूं और पीछे मेरी मां आवाज दे रही है। जुरैज ये कहते हैं अल्लाह मैं क्या करूं, मैं नमाज में और मेरी मां पीछे आवाज दे रही है। फिर उसने तीसरी आवाज दी जुरैज, लेकिन जुरैज ने कोई जवाब नहीं दिया, वो नमाज पढ़ते रहे। चौथी बार जुरैज की मां के मुंह से ये जुमला निकला, जुरैज तूने मेरी आवाज सुनकर भी अनसुना कर दिया। आए अल्लाह जुरैज उस वक्त तक ना मरे जब तक कि वो किसी बदकार औरत का मुंह ना देख ले। आए अल्लाह जुरैज को उस वक्त तक तू मौत मत देना जब तक कि जुरैज किसी बेशरम और बेहया औरत के साथ हम बिस्तरी ना कर ले, उसके साथ जिना ना कर ले। मां की बद्दुआ थी, मां ये बद्दुआ देकर चली गई। फिर क्या होता है, दो चार पांच दिन के बाद एक औरत जुरैज के माबत में जहां वो इबादत करते थे उसी में गुजरा था, उसी हुजरे में खूबसूरत औरत आती है और जुरैज से कहती है जुरैज उदनु मिन्नी आओ मेरे करीब आओ और मुझसे जिना करो। जुरैज ने कहा अल्लाह की पनाह मैं ऐसा गलत काम नहीं कर सकता, मैं अल्लाह का नेक बंदा हूं, उसकी इबादत में मैं अपनी जिंदगी गुजार रहा हूं, चलो जाओ यहां से हटो, ये गलत काम मुझसे नहीं होगा। जुरैज ने उस औरत को भगा दिया। वो औरत परेशान थी, सीधे जंगल में जाती है और वहां बकरियां चराने वाले एक चरवाहे के साथ वो जिना कर लेती है, शिकार हो जाती है जिना का। 9 महीने 10 महीने गुजर जाते हैं, 9 महीने के बाद उस औरत के बच्चा पैदा होता है, हमल ठहर गया था। 9 महीने के बाद जब बच्चा पैदा हुआ तो उस चरवाहे का तो पता ही नहीं कि वो कहां का रहने वाला था, कहां चला गया, और ना ये औरत उसको पहचानती थी, बस जुनून था उसको किसी से मिलने का, मिल लिया वो, ये जुरैज नहीं मिला तो जंगल के चरवाहे के पास चली गई, लेकिन चरवाहे का पता नहीं। 9 महीने से इसके घर में जब बच्चा पैदा होता है तो पूरे गांव वाले इस पर भिल पड़े, है तेरी शादी नहीं हुई, बच्चा कहां से आया। जब उसको ज्यादा परेशान किया गया और गंभीरता से इस बात को ली गई कि पूरा समाज बदनाम हो जाएगा, बता पहले ये बच्चा किसका, तो उस औरत ने जुरैज का नाम ले दिया। उस औरत ने जुरैज का नाम ले लिया कि इस बच्चे का बाप जुरैज है। आजकल तो डीएनए टेस्ट हो जाएगा, पता चल जाएगा किसका बच्चा है, लेकिन उस जमाने में तो डीएनए टेस्ट की कोई मशीनरी नहीं थी, पैथोलॉजी और साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी, कोई पैथोलॉजी भी नहीं थी। पूरा गांव आया गुस्से में और देखा कि जुरैज नमाज पढ़ो, पूरा नमाज से उनको खींचा, हट, देख कितना अल्लाह वाला बना फिरता है, नमाज पढ़ रहा है, और उसका पूरा इबादत खाना तोड़ दिया। हट, बड़ा नालायक आदमी है, बड़ा कमीना इंसान है, उसका इबादत खाना तोड़ दिया। मारा नहीं उसको, खींच लिया, देख कितना अच्छा बनता है, कितना नेक बनता है, सजदों पे सजदे करता है, रात में नमाज पढ़ता है, दिन में नमाज पढ़ता, और कारनामा देख, गांव की लड़की के साथ ऐसा हाल, उसको मां बना दिया, प्रेग्नेंट कर दिया, उसके पेट में बच्चा। किस किस को सफाई देते, जब औरत ये कह रही है कि इस बच्चे का बाप जुरैज है तो अब जुरैज किस किस को सफाई देते, नहीं मानता कोई उनकी बात। जुरैज समझ गए कि वो बच्चा किसी और का है, लेकिन उस औरत ने मेरा नाम लगा दिया, तो बजाय लोगों को सफाई देने के, बजाय लोगों को सफाई देने के, जुरैज ने एक जगह चटाई बिछाई, इबादत खाना तो तोड़ दिया, जुरैज ने एक जगह चटाई बिछाई और उसी पर वो नमाज पढ़ने में मसरूफ हो गए, और नमाज के अंदर ये दुआ करने लगे, आय अल्लाह
इसकी सच्चाई अगर सामने ना आई तो दुनिया में फिर कभी कोई तेरे नेक बंदों पर भरोसा नहीं करेगा, कभी भी फिर नेक लोगों पर एतबार न किया जाएगा, हर नेक आदमी फिर बदनाम हो जाएगा। अय अल्लाह, मैं नमाज के अंदर तुझसे दुआ मांगता हूं कि इसकी सच्चाई जाहिर कर दे। नमाज पढ़ रहे हैं, उधर अल्लाह ताला ने उस बच्चे को कुव्वत गोयाई दी जो बच्चा उस औरत ने पैदा किया था, जो चरवाहे की पैदावार था। वो बच्चा जोर जोर से कहने लगा, आए गांव वालों, आए गांव वालों, आए समाज वालों, मेरी माँ झूठ बोल रही है, मैं जुरैज का बेटा नहीं हूं, मेरा बाप फला जंगल का फला चरवाहा है जो फला फला बस्ती में रहता है, मेरी माँ ने उसके साथ जिना किया था, मैं उस बाप की उस चरवाहे की औलाद हूं, मैं जुरैज का बेटा नहीं हूं, जुरैज ने मेरी माँ के साथ कुछ नहीं किया। जब वो बच्चा जोर जोर से बोलने लगा, इस बच्चे के जोर से बोलने की वजह से लोगों को यकीन आ गया कि इस औरत ने झूठा जुरैज का नाम लिया है। वो माफी तलाफी करते हुए आए और कहने लगे, जुरैज हमें माफ कर दो, हम सोने का तुम्हारा माबत इबादत खाना सोने का बना देंगे, हम भी हमारे पास इतना सोना है, हम सोने का तुम्हारा इबादत खाना बना देंगे। जुरैज ने कहा, नहीं नहीं, जिस तरह मिट्टी का पहले बना हुआ था उसी तरीके का बना दो, सोने की इबादत खाने का हम क्या करेंगे, हमें तो नमाज ही तो पढ़ना है और करना ही क्या है। मेरे भाइयों, हजरत जुरैज के ऊपर जब मुसीबत आती है और इतनी बड़ी मुसीबत कि नेक आदमी के ऊपर जिना का इल्जाम लग रहा है, तो हजरत जुरैज सफाई पेश नहीं करते हैं बल्कि नमाज की आगोश में चले जाते हैं, नमाज के दामन में चले जाते हैं, नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं और उसी नमाज के अंदर दुआ मांग रहे हैं। अल्लाह ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनू बिस्सब्री वस्सलाह, जब तुम्हारे ऊपर मुसीबत आए तो सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह से मदद मांगो। जुरैज ने सब्र किया गांव वालों के इबादत खाना तोड़ने पर और नमाज के जरिए अल्लाह से मदद मांगी है। मेरे भाइयों, नमाज बड़ी से बड़ी मुसीबतों को दूर कर देती है। नमाज जब आपके ऊपर बहुत बड़ी कोई मुसीबत आए तो फौरन वजू बनाओ और नमाज की आगोश में चले जाओ। 313 सहाबा, 1000 का लश्कर काफिरों का जंगे बदर में, अल्लाह के नबी ने जब ये कंडीशन देखी तो आप समझ गए कि ये हथियारों से लैस हमारे पास कुछ नहीं, आज क्या होगा। तो आप नमाज पढ़ने लगे और सजदे में ये दुआ करने लगे, अल्लाहुम्मा ला तुहलिक हाजिल असाबा इन तहलिक हाजिल असाबा लन तौबद बादल यौमी कत्तु। आय अल्लाह, आज अगर ये मुट्ठी भर जमात हलाक हो गई, आज ये 313 साहब अगर मिट गए, हलाक हो गए, तो इस रूए जमीन के ऊपर फिर कभी तेरी इबादत ना हो सकेगी, इस रूए जमीन के ऊपर फिर कभी कोई तेरा नाम लेने वाला ना होगा। आय अल्लाह, इन 313 साहबा की हिफाजत फरमा, ये 1000 काफिरों का लश्कर है। देखिए, नबी पर मुसीबत आई, 1000 का लश्कर है जो सहाबा को मारना चाहता है। जब ये मुसीबत आई तो नबी ने नमाज पढ़ना शुरू कर दी और नमाज ही की हालत में आप ये दुआ कर रहे हैं, आय अल्लाह अगर आज ये 313 मिट गए, बर्बाद हो गए, लन तो अबद अबादलियों, तो आज के बाद कभी तेरी इबादत ना हो सकेगी, कभी तेरा नाम नहीं लिया जाएगा। और आप देख लीजिए मेरे भाइयों, जितने लोगों को अल्लाह के नबी के जमाने में सहाबा किराम को फांसी पर लटकाया गया या उनसे कहा गया कि तुम्हारी गर्दन काटी जाएगी, उड़ाई, बताओ आखिरी तमन्ना क्या है, तो उन लोगों ने आखिरी तमन्ना जब बताई तो ये नहीं कहा मुझे मेरी माँ से मिलवा दो, ये नहीं कहा मुझे मेरे बाप से मिलवा दो, ये नहीं कहा मुझे मेरे बीवी से या बेटे से मिलवा दो। जब उनसे पूछा जाता तुम्हारी आखिरी तमन्ना क्या है, तो वो कहते मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने की मोहलत दे दो, मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने का मौका दे दो बस। और वो हल्की नमाज पढ़ते 2 रकात ताकि दुश्मन ये ना समझे कि मैं लंबी नमाज इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि मौत से बच जाऊं या मौत के डर से मैं लंबा कर रहा हूं। वो छोटी छोटी हल्की हल्की नमाज पढ़ लिया करते थे। नमाज मुसीबतों को और परेशानियों को दूर करती है। मेरे भाइयों, जब आपके पास कोई मुसीबत कोई परेशानी आए फौरन नमाज की आगोश में चले जाओ और नमाज के बाद या नमाज में दुआ मांगो अल्लाह ताला से कि बारे इलाह तू हमारी खताओं को माफ़ फरमा दे, बारे इलाह इस मुसीबत को तू हमारे ऊपर से हटा दे और दूर कर दे। मेरे भाइयों, नमाज इंसान के लिए वैसे ही है जैसे माँ की गोद बच्चे के लिए है। बच्चा जब डरता है तो माँ की गोद में आता है तो अपने आप को महफूज समझता है। आप जब नमाज पढ़ेंगे तो अपने आप को महफूज समझेंगे। 1:10 हो गया है,
मुझे निकलना है, जो ट्रेन मुझे पकड़नी थी वो आज कैंसिल हो गई है। मेरे भाइयों, मैंने बरवक्त फ्लाइट का टिकट कलकत्ता से निकाला है, मुझे लखनऊ जाना है और कलकत्ता तक भी मुझे 8 बजे तक पहुंचना है। इसलिए हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि बारे अल्लाह तो हमारी खताओं